ओके स्टार्ट करते हैं यूपीएससी पेपर सॉल्विंग। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 2018 के जो पेपर थे वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चंस। और अब चल रहे हैं हम लोग 2017 के पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? 2017 का यूपीएससी प्रीलिम्स है, सेट ए है। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का, 2 घंटे का हमें समय मिलता है और टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100। मैंने बार बार कहा है कि हमें 100 क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स कितना अटेंड करना? 60। अगर 60 भी सही हो गया तो पास आराम से हो जाएंगे हम लोग प्रीलिम्स में। ठीक है, प्रीलिम्स में हमें टॉप नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? क्वालिफाई करना है। ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। 1 कहता है, अब देख क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से है। कर अ विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट, कौन से सब्जेक्ट से है ये? सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? पॉलिटी का है ना, पॉलिटी। कह रहा है पॉइंट ये, अ प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसा होता है क्या? दूसरा कहता है कि रिसेंटली अ प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री, ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या गलत है? ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा है तो कोई भी करेक्ट नहीं है, नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, ये मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में पढ़ा है, मतलब कि कोई भी जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो भी इंसान क्या कर सकता है? अपना बिल ला सकता है। ठीक है, जैसे जो राज्यसभा में मोस्टली होते हैं तो राज्यसभा में के लोग तो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते हैं, फिर भी वो लोग भी तो बिल उठा सकते हैं, ला सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं कोई। हाँ, तो इसमें लिखा है कि खाली वो ऐसे ही लोग जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है बट इलेक्टेड हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड है, वही लोग उठाए हैं, तो ये गलत है। और हिस्ट्री में पहली बार प्रेजेंट किया गया हो 2017 में, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस एंड इंडस वैली पीपल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यन और इंडस वैली के बारे में पूछ रहा है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, एशियन हिस्ट्री से। कह रहा है कि ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन द वारफेयर वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंसेस ऑफ यूजिंग देम। समझ में आ रहा है क्या कहा? ऋग्वेदिक के जो आर्यंस आ रहे थे वो क्या करते थे? कोट ऑफ मेल और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे, किसके लिए? लड़ाई के लिए। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसे कोई तथ्य नहीं पाए गए हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग भी हेलमेट वगैरह का इस्तेमाल करते थे कि नहीं करते थे, है ना। दूसरा कहता है, ऋग्वैदिक आर्यन न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर इज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन, क्या आयरन की खोज हुई थी? नहीं, आयरन की खोज तो यहाँ आकर हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है, 2 गलत है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कहता है, ऋग्वैदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द होर्स, घोड़ा, हॉर्स, वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन अवेयर ऑफ दिस एनिमल, क्या जो है इंडस वैली के लोग इससे घोड़े से अवेयर नहीं थे? अवेयर थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 भी गलत हो जाता है, अगर तीसरा गलत तो ये गलत, ये गलत और ऑप्शन 1 सही हो जाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। और क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग स्कीम, ठीक है, स्कीम से आया है, इज द समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज विद रेफरेंस टू दिस। तो करंट का टॉपिक था तो इसमें कोई डिस्कशन का मुद्दा ही नहीं होता। इसका आंसर था ए, 2017 में क्या था जो प्रायर लर्निंग स्कीम क्या था, सर्टिफाइंग द स्किल अक्वायर्ड बाई कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स, ठीक है। हाँ, ये था प्रायर लर्निंग स्कीम, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का मतलब ये था कि जो वर्कर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते थे उनके स्किल्स को सर्टिफाई करना थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल्स के जरिए, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम इम्पोर्टेंस इन बींग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में एक लिंक कौन सा बनाता है। कहता है कि सत्यमंगलम टाइगर, हाँ तो वो तो समझ में आता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये वहीं पर है, नल्लामनाई फॉरेस्ट, नागरहोल नेशनल पार्क और सेसाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। हाँ हाँ, कर्नाटका में सेसाचलम की जंगलों में पाया जाने वाला लाल चंदन झुकेगा नहीं साला, वही वाला, ठीक है, सेसाचलम के जंगलों में लाल चंदन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्वालिटी इक्वालिटी, वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस ऑफ, अगर इसमें से क्या चीजें जो कि खत्म रहेंगी मतलब नहीं रहेंगी, तो क्या कहता है कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी, ठीक है, कि सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए क्या कहते हैं इसको हिंदी में, मेरे को वर्ड ही नहीं आ रहा है, वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द अब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस रिस्ट्रेन कॉम्पिटिशन या आइडियोलॉजी, अगर हम इनमें से क्या चीज हटा दे तो इक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में, ठीक है। अब्सेंस कह रहा है कि इसमें से क्या चीज हटा दे तो सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाएगी, प्रिविलेजेस है ना, प्रिविलेजेस कि भाई अगर किसी को हम कहते हैं ना कि किसी के पास बहुत सारे संसाधन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ की सुविधा है पढ़ने के लिए, कुछ लोग हैं उनके पास कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, तो जिसके पास है वो क्या है, प्रिविलेज है, ठीक है, जिसके पास नहीं वो प्रिविलेज नहीं है, तो इससे इनइक्वालिटी जनरेट होती ही है, ठीक है। तो अगर हम सोसाइटी से प्रिविलेजेस को अगर हटा दिया जाए तो समाज में क्या आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी, सब लोग एक स्तर पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या करें कि ट्रैफिक यानी वही है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस फ्लोरा एंड फ्लोरा इन कॉमर्स इज अ ब्यूरो अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का है क्या। उसके बाद दूसरा कहता है कि द मिशन ऑफ टैरिफ इज टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो गलत है और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये यूएनईपी का नहीं, ये एक एनजीओ है, ठीक है। टैरिफ क्या है, ये एक एनजीओ है, एनजीओ कोई ब्यूरो नहीं है, तो ये क्या है, एनजीओ, ना समझ में उसका हो जाएगा ओनली। आगे चले, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है कि विच प्रिंसिपल अमोंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42nd अमेंडमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार रिविजन कर लेना, मिनी स्टेटमेंट भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है उसको, अमेंडमेंट हुआ था। सो क्या ऐड हुआ था, कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल
वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन ये ऐड हुआ था या पार्टिसिप नहीं नहीं न्यूज से नहीं पूछा है, न्यूज से नहीं पूछा, पूछा है कि जो 42nd अमेंडमेंट हुआ रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें क्या चीजें ऐड की गई थी ईपीएसपी में। दूसरा कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तीसरा कहता है कि राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंट। और चौथा कहता है कि सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स। ठीक है, तो इसमें जो 42nd अमेंडमेंट में जो ऐड किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजंस। ठीक है, कह रहा है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। तीसरा कहता है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। और चौथा कहता है राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मेनी। कहता है अधिकार क्या है, क्या अधिकार ये है कि जो स्टेट के पास होता है सिटीजन के खिलाफ, ऑप्शन ए कहता है। दूसरा कहता है कि अधिकार वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रिविलेजेस को दर्शाता है। ठीक है, या सी कहता है अधिकार वो है जो सिटीजन्स को मिलता है स्टेट यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, सिटीजन्स को दिया जाता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। या चौथा कहता है कि अधिकार वो है जो कुछ सिटीजन्स को मिलता है बाकी सिटीजन्स के अलावा। क्या लगता है, यस राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग ऑफ द कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये रैंकिंग कौन निकालता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन वुमन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारे पेपर्स को पब्लिश करता है, तो उसके बारे में थोड़ा पता रहना चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर का टॉपिक था या स्टैटिक पार्ट है जो हमेशा पूछे ही पूछे जाते हैं क्योंकि हर साल पब्लिश किए जाते हैं, तो एक बार पढ़ लेगी कि कौन अच्छा कौन कौन से इंडेक्सेस को निकालता है तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017। अब देखिए उस वक्त के ही करंट से पूछा गया था कि स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 क्या है। इट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द डेवलपिंग एवरी सिटी ऑफ अवर कंट्री इनटू स्मार्ट सिटी इन अ डिकेड। 10 साल में सारे के सारे शहरों को क्या करना है, स्मार्ट बनाना है। उसके बाद दूसरा कहता है कि इट इज एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग द मेनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय अवर कंट्री। कि नए टेक्नोलॉजी को समझना जो हमारे देश की समस्याओं को सॉल्व कर सके। ठीक है, और तीसरा कह रहा है कि इट इज अ प्रोग्राम एम्ड एट द मेकिंग ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अवर कंट्री कम्प्लीटली डिजिटल इन अ डिकेड। एक दसी में मतलब कि 10 साल के अंदर जितने भी देश के ट्रांजेक्शन है उन्हें ऑनलाइन करना है। तो इसका ऑप्शन कहता है ओनली 2, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं और ये भी इतना जल्दी पॉसिबल है नहीं कि 10 साल में तुम सारे के सारे जो शहर है उनको स्मार्ट बना दो। ये था कब का बन चुका होता, हम लोग हवा में तैर रहे होते हैं। 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC।
कहता है इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। क्या ये आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के बेंचमार्क को डिसाइड करता है। दूसरा कहता है इट इज अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। तो ये 12 मेंबर नहीं, ये 6 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है, 6 मेंबर होते हैं। हाँ, ये जो कमिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में 6 मेंबर होते हैं। तो दूसरा गलत है, तो ये गलत है, ये गलत है, बचता है 1 और 3। तीसरा कहते हैं इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर काम करती है ये, तो नहीं, ये काम करती है गवर्नर के अंडर, ठीक है, गवर्नर के अंडर काम करती है। किसके गवर्नर, स्टेट के नहीं, आरबीआई के, नहीं तो सोचेंगे स्टेट, ठीक है। तो तीसरा भी गलत हो गया और आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विथ रेफरेंस टू द मणिपुरी संकीर्तन, मणिपुरी संकीर्तन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है इट इज ए सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस है, ठीक है, सॉन्ग है और डांस परफॉर्मेंस है। कहता है दूसरा, कहता है सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देख ओनली, जहां ये एकदम क्या स्टेटमेंट है, बोलते हैं ना कि एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन दैट परफॉर्मेंस। तो यहाँ ओनली आ जाए तो ऐसा होने कि ऐसा तो है नहीं कहीं पर कोई भी परफॉर्मेंस हो रहा है और वहां पर कोई एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा हो, ढोल मजीरा तबला जो है वीड़ा बांसुरी बहुत सारी चीजें रहती हैं, इस्तेमाल होती हैं। तीसरा कहता है, अच्छा अगर जैसे दूसरा गलत हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कहता है कि इट इज परफॉर्म्ड टू नैरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, तो ये बात सही है। तो तू देखेगी साउथ में मैं जल्दी जो चीजें होंगी वो कृष्णा को रिलेटेड करके बहुत दिखाया जाता है साउथ के चीजों में या नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, ठीक है। तो मणिपुरी संकीर्तन क्या है, एक तरीके का सॉन्ग और डांस परफॉर्मेंस है और इससे वो लोगों के जो लाइफ होते हैं किसके, कृष्णा की, जीवन के बारे में परफॉर्म करते हैं नाटक के जरिए। तो 1 और 3 क्या है, सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हू अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रियो तिवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो रियो तिवारी कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड या थॉमस मुनरो, ठीक है। तो रियो तिवारी से रिलेटेड कौन है, तो रियो तिवारी से रिलेटेड देखेगी कॉर्नवालिस तो बिल्कुल नहीं है, ये अलेक्जेंडर रीड, रीड का नाम तुझे पता था, रीड था एक, मैं बता रहा था जब गांधीयन एरा पढ़ा रहा था तब उसमें एक आया था रीड, तू बोली यही रीड है, देख लेना बताऊंगा, ठीक है। रीड और थॉमस मुनरो ये दोनों ही रियो तिवारी सेटलमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें से तुझे एक सेक्रेटरी मिलेगा, स्टेट सेक्रेटरी, और एक मिलेगा वाइस रॉय, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन द कंटेस्ट ऑफ सॉल्विंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ बायो रेमिडिएशन टेक्निक, ठीक है, एडवांटेज ऑफ बायो रेमिडिएशन टेक्निक के बारे में क्या कहता है। तो कहता है इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग ऑफ पॉल्यूशन बाई एनहेंसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर इन द नेचर। जैसे नेचर में सारी की सारी चीजें सड़ गल जाती हैं वैसे ही ये टेक्नोलॉजी भी काम करती है। दूसरा कहता है एनी कंटामिनेंट विद हैवी मेटल्स सच एज कैडमियम एंड लीड कैन बी रीडली एंड कंप्लीटली ट्रीटेड बाय बायो रेमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कंप्लीटली ऐसा थोड़ा मोड़ा भी नहीं बचेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई भी चीज 100% होती नहीं है कि हाँ पूरी तरीके से हम रिसाइकल करते हैं,
थोड़ा मोड़ा चीजें रही जाती हैं। दूसरा कहता है अगर मैं दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा तो यहाँ सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर तीसरा कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज्ड टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली डिजाइन फॉर द बायो रेमेडिएशन। तो हो सकता है जेनेटिकली जीएम का इस्तेमाल करके हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ऑप्शन वन एंड थ्री ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं, 15 कहता है द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 प्रोवाइड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोवाइड फॉर ये कहता है द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, दूसरा कहता है आर्बिट्री पावर टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, या तीसरा कहता है कि एन इंटरवेंशन बाई ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। या चौथा कहता है अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक। तो इसका आंसर यही है कि ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 जो है प्रोवाइड करता है कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए। मैंने बताया था कि ट्रेड से रिलेटेड या कोई स्पेशल चीजों से रिलेटेड जब मुद्दे को कोई जज या बेंच सुनती है तो उसे हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, है ना। तो वही ट्रेड डिस्प्यूट है तो उससे रिलेटेड जो भी मुद्दा सुना जाएगा उसे एक ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा। तो क्या कर रहा है, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स। तो इसका ऑप्शन ये है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। लोकल गवर्नमेंट या सेल्फ गवर्नमेंट को हम इसमें से कौन से में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहता है फेडरलिज्म यानी कि संघीय ढांचा हो, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरा कहता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही पावर का क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, और डेमोक्रेटिक मतलब लोगों के द्वारा इलेक्ट करना। तीसरा कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशंस। या चौथा कहता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या लगता है इसमें से क्या होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी हमारे देश में देखा जाता है कि नहीं, लोकल गवर्नमेंट हमारा देश क्या है, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन। कहता है कि टीपीएसपी किस चीजों पर लिमिटेशन लगाता है, लेजिस्लेटिव फंक्शन या एग्जीक्यूटिव फंक्शन। दोनों पर ही नहीं लगाता, आंसर है नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, नाइदर वन नाइदर टू, दोनों ही क्या है, गलत। टीपीएसपी कभी किसी पर लिमिटेशन क्या लगाएगा, उसका तो खुद का आता पता नहीं है, गवर्नमेंट चाहेगी तो देगी। 18 कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी सीन इन द न्यूज रेफर टू। तो ये 2017 के करंट अफेयर से था और ये क्या कहते हैं इसको, ये किससे रिलेटेड था, तो यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड था, डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी यूरोपियन यूनियन। 19 पर चलते हैं, 19 कहता है कि क्वेश्चन नंबर एट वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया इफ यू स्टैंड ऑन द सी शोर एंड वॉच द सी यू विल फाइंड दैट द सी वॉटर रिसीड फ्रॉम द शोर लाइन अ फ्यू किलोमीटर्स एंड कम बैक टू द शोर ट्वाइस अ डे एंड यू कैन एक्चुअली वॉक ऑन द सी फ्लोर व्हेन द वॉटर रिसीड मतलब कम हो जाता है। दिस यूनिक फिनोमिना इज सीन एट। तो जाहिर सी बात है ये चीज वहीं देखी जाएगी जहां से ये सारी इसमें से चारों में से वो ऑप्शन जो समुद्र के किनारे होगा।
और तब पता चल जाएगा जब तू पूरा इंडियन मैप खत्म करेगी प्लेसेस। तो इसमें से देख, भावनगर कहाँ है? गुजरात में। भावनगर गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद भीमुनीपट्टनम, भीमुनीपट्टनम ये साउथ में है। चांदीपुर, चांदीपुर एक ऐसा जगह है, यहाँ से हमारे कई सारे किए जाते हैं, प्रक्षेपण वगैरह किए जाते हैं चांदीपुर से, ठीक है। तो वहां पर टाइड एन एब, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली में टाइड एन एब के बारे में है, ठीक है। देखना कि पानी आता है चला जाता है, दिन में दो बार देखने को मिलता है। तो मैंने टाइड एन एब पढ़ाया था, बताया था कि एक दिन में दो बार टाइड एन एब देखने को मिलता है 24 घंटे में, है ना। तो वही कह रहा है, तो इसका आंसर है चांदीपुर, ठीक है। आगे चलते हैं 20 पर। 20 कहता है विद रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कि प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजेक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ दैट ट्रांजेक्शन। यानी जैसे तेरा घर है, कोई दूसरा आकर के उसे बेच देता है और कोई तीसरा उसे खरीद लेता है, ठीक है। तो तुझे पता ही नहीं कि मेरे घर को बेच दिया गया है। तो उसमें वही कह रहा है कि अ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजेक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अगर तुझे पता नहीं है और बेच दिया तो उसे बेनामी नहीं कहा जाएगा। दूसरा कहता है अ प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर द कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। बेनामी हेल्ड मतलब प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी फॉर आर लायबल फॉर द कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरा कहता है कि द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर थ्री अथॉरिटीज, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर थ्री अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म। मतलब इसमें तरह की भैया इन्वेस्टिगेशन का तो प्रावधान है लेकिन तुम कहीं अपील नहीं कर सकते हो, है? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। देख, तुझे बिना बताए कोई तेरी प्रॉपर्टी बेच देगा उसे बेनामी नहीं कहा जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। और ये भी कह रहा है कि इसमें जांच के तो प्रोविजंस हैं लेकिन अपील करने का प्रोविजंस नहीं है। तो ऐसा भी नहीं, हमको पता है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला है तो हम लोग उसे जो है हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे ऑप्शन क्या जाएगा, टू सही जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ड्यू टू सम रीजन, क्या कहता है, ड्यू टू सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, किसी रीजन की वजह से बटरफ्लाई की जो पॉपुलेशन है वो सडनली गिर जाती है, वॉट कुड बी इट्स लाइक कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। कहता है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, पॉलिनेशन मतलब कि कुछ पौधे होंगे जो तितलियों की वजह से उनका पॉलिनेशन होगा, इस पे अफेक्ट पड़ेगा। तीसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स, ठीक है। देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। तीसरा कह रहा है कि इट कुड लीड टू फॉल द पॉलिनेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ वैस्प स्पाइडर एंड बर्ड्स, मतलब कह रहा है कि अगर तितलियां मर जाएंगी तो तितलियों के मरने से पहला ऑप्शन में हो सकता है कि वहां पॉलिनेशन में डिक्रीमेंट आ जाए, अफेक्ट हो कुछ पॉलिनेशन कुछ पौधों में, सम लिखा सम। उसके बाद कहता है कि हो सकता है इनके मरने की वजह से ड्रास्टिक इंक्रीज हो जाए फंगल इन्फेक्शन में, ठीक है। और तीसरा कहता है कि हो सकता है कि तितलियों के मरने की वजह से जो स्पाइडर हैं या जो बर्ड्स हैं उनकी स्पीसीज भी खत्म हो जाए। तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा?
अंगल वाला गलत है, बिल्कुल सही। तो आंसर वन एंड थ्री सही है, ठीक है। क्योंकि देख अगर ये फूड वेव का एक्चुअली देखेगी तो फूड वेव का क्वेश्चन है एनवायरमेंट से ही, कि तितलियों के जरिए पॉलिनेशन होता है तो हमको पता है, ठीक है। हाँ दूसरा है कि तितलियों को कोई खाता होगा, जैसे कुछ कीड़े मकोड़े कुछ ये पक्षियां होंगी वो तितलियों को खाती होंगी, अगर उनका भोजन है तितली ही मर जाएंगी तो धीरे धीरे वो जो पक्षी जो तितलियों को खाती होंगी उनका भी खात्मा हो जाएगा, है ना। कुछ स्पाइडर होंगे जो उन्हें खाते होंगे पकड़ पकड़ के, तो उनका भी खात्मा हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन वन एंड थ्री सही है। और फंगल इन्फेक्शन तितलियों की वजह से थोड़ी होता है, पौधों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है वो लिखा ही है फंगस की वजह से है, और फंगस जो है तितलियों की वजह से थोड़ी इधर से उधर जाते हैं। फंगस फंगस के लिए क्या एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर चाहिए रहता है, वो जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो 22 पर चलते हैं। कहता है इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल, बट व्हाट इज द लाइकली लिमिटेशंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन प्रमोटिंग दिस इंडस्ट्री। कह रहा है कि एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए क्या लिमिटेशंस है इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में। कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल इज पॉसिबल इन द सी ओनली एंड नॉट ऑन द कॉन्टिनेंट, यानी कि ऐसे देश जो जिनके पास कोई समुन्दर ही नहीं होगा वहां पर ये बायो फ्यूल्स होंगे एल्गी वाला, उससे उगाया नहीं जा सकता है, उसे नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा कहता है सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज या टेक्नोलॉजी अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड। बात तो सही है, हम आज भी भारत दूसरे देशों के साथ कोलेब्रेशन करता है, ठीक है, कोलेब्रेशन करता है किस लिए, जैसे ब्रह्मोस बनाया रसिया के साथ मिलके, क्यों, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, रसिया के पास टेक्नोलॉजी थी तो हमने रसिया से टेक्नोलॉजी खरीद सीखी और ब्रह्मोस को बनाया, है ना। तो ऐसे ही एलगी वाला अगर तुम्हें इंडस्ट्री लगाना होगा तो भाई एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके पास इतना एक्सपर्टीज होता नहीं है, ठीक है, ये बात सही है। दूसरा कहता है इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिएट, इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन नेसेसिएट द सेटिंग ऑफ लार्ज स्केल फैसिलिटी विच में राइज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न, ठीक है, कि अगर हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पर बनाते हैं तो हो सकता है इसके कुछ सोशल या इकोलॉजिकल कंसर्न दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो मे राइज, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है मे, है ना। और यहाँ पर ओनली है तो क्या है, कौन सा स्टेटमेंट है ये, मतलब पूरी तरीके से एक्सट्रीम है, तो पहला तो गलत हो जाएगा और दूसरा क्या है सही है। ऑप्शन में देखते हैं 2 and 3 ओनली, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, तो ये जो कि उसका है क्या बोलते हैं स्कीम से रिलेटेड था, तो इसका जो मेन मोटो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का, टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू द माल न्यूट्रिशन अमंग द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग मदर्स, यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट है और जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको अवेयर करवाना माल न्यूट्रिशन से कि भैया क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है, ठीक है। इसीलिए इस चीजों को दूर करने के लिए जो आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी वर्करों का हर संडे एक मेला लगता है जिसमें वो अलग अलग चीजों को बना बना के गांव वालों को अवेयर करती हैं कि इससे हम कौन कौन से खाने को खा सकते हैं जो प्रोटीन होता है। तो मेला को क्या कहते हैं, आरोग्य मेला। हाँ आरोग्य मेला, ठीक है, तो उसमें भी अवेयर करवाया जाता है, तो ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का ही हिस्सा है। दूसरा कहता है कि टू रिड्यूस द
इंसिडेंस ऑफ अनिमिया, अनिमिया मतलब खून की कमी, अमंग द यंग चिल्ड्रन एडोलेसेंस गर्ल्स एंड वुमेन्स। तो महिलाओं में अगर खाना पीना नहीं खाया जाता है तो वैसे भी देखा जाता है महिलाओं में खून पुरुषों के अपेक्षा कम होता है। तो खाना पीना नहीं खाते हैं अच्छे से, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी खून की कमी आती है। खून की कमी होती है तो चक्कर, कमजोरी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा कहता है टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स कोरल सीरियल्स, कोर्स सीरियल्स मतलब क्या था, मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, ये सब हो गया, एंड अनपॉलिश्ड राइस। ठीक है, अनपॉलिश्ड राइस मतलब कह रहा है कि भैया ये जो चीजें हैं कि तुम्हारे मोटे मोटे जो अनाज हैं या जो अनपॉलिश राइस हैं, इन सबको खाने के लिए प्रमोट करना क्या, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यही सब खाओ, इसका प्रमोशन कहीं नहीं होता है कि भाई तुम यही सब खुश खाओ। दूसरा कह रहा है टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एंड एग्स, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि तुम पोल्ट्री मतलब कि चिकन और अंडे खाओ खाली, इसका प्रमोशन वमोशन नहीं होता है। ये बताया जाता है कि कौन से खाने में कौन सा न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, अब क्योंकि गांव एरिया है या तो वहां पर सब लोग इतने सक्षम नहीं होते कि सब चिकन अंडा लाएंगे या जो कि बाजरा और यही सब लाके खाएंगे, है ना, तो सबका प्रमोशन वमोशन नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के जरिए किसी चीजों का। ठीक है, ऑप्शन वन एंड टू सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वॉज पास्ड विथ अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। क्या 1881 का जो फैक्ट्री एक्ट था उसमें ये बातें कही गई थी कि जो वर्कर्स हैं उनके वेजेस को फिक्स किया जाएगा और उन्हें एक आजादी है कि वो अपने ट्रेड यूनियन को फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा कहता है एन एम लोखंडे वॉज द पॉइनियर इन द ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया, तो इसमें अगर देखेगी तो तेरा पहला ऑप्शन जो था ये गलत था। ठीक है, इसमें ये नहीं कहा गया था कि उनके जो वेजेस हैं वेजेस को ये फिक्स किया जाएगा, इसमें वर्किंग आर को फिक्स किया गया था। ठीक है, वर्किंग आर नहीं तो अंग्रेज ना दिन दिन रात रात काम करवाते थे। ठीक है, तो वर्किंग आर को फिक्स किया गया था और इसमें ये दूसरा ऑप्शन सही है ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इमिशन, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पोटेंशियल साइट्स फॉर कार्बन सिक्विट्रेशन। तो ऐसे कौन से जगह है जहां पर कार्बन बहुत बड़े अमाउंट में स्टोर रहता है। कहता है अबंडेंट एंड अन इकोनॉमिक कोल सीम्स, मतलब कि ऐसा कोल माइन जो बहुत लंबे समय से अबंडेंट छोड़ दिया गया हो, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। दूसरा कहता है डिप्लेटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व, जहां से गैस वगैरह निकाला जाता है या ऑयल के जो लेयर्स पाए जाते हैं। तीसरा कहता है सब टेरेन डीप सलाइन फॉर्मेशन। ठीक है, सब टेरेन डीप सलाइन फॉर्मेशन, इन तीनों में से क्या लगता है कार्बन कहाँ कहाँ स्टोर रहेगा। पहले तो कोल है, तो कोल तो कार्बन ही पूरा दिखता है, पहला है। दूसरा कहता है ऑयल और गैस रिजर्व, तो ऑयल और गैस रिजर्व में भी कार्बन रहेगा। और सब टेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, तो यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1, 2 and 3 यू नो सही है। ठीक है, ओके, अभी के लिए 25 क्वेश्चन रखते हैं, बाकी आगे 26 से 50 तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।